देखिए आग लगा हुआ था और ये पानी है कि क्या है भाई, पूरा झाग ही झाग है। ये बहुत खुश हो रहे हैं ना, बोल रहे भाई चौपाटी में आग लग गया, चौपाटी में आग लग गया। बोला पता है आपको, अभी ना 11:30 बज रहा है और कोई ना भाई मेरे ना जो चक्का है ना उसका हवा निकाल दिया, मतलब कांटी को मार दिया है। और रात को 11:30 बजे मैं भी घर जाने वाला था, देख रहा हूँ तो हवा ही नहीं है भाई। आए देखो मैं झाड़ू लगा रही है अभी। लो भाई सामान फाइनली सब कुछ इधर हाउस आ गया है और बैठते हैं कि पहले चाय पहले, सबसे पहले अपन चाय का जुगाड़ देख लेते हैं। माँ चाय, शक्कर नहीं डाला हुआ है इसमें, और मम्मी तुलसी पत्ती तोड़ ली है। होगी जानते हरा दोनों तो नहीं भाई, लेकिन ये थर्माकोल और पन्नी वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं ना भाई जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने ना कल ही रात को ले लिया था, ठीक है। और ठीक ही किया था ले लिया था, क्योंकि शनिवार यहाँ से दुकान वगैरह खुलेगा नहीं और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है भाई मेरे को जब उनका दुकान वगैरह नहीं खुलता है, ठीक है। तो वेलकम टू माय डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एच के सोनी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। दोस्तों फिलहाल मैं आज है 15 तारीख, तो आई होप दोस्तों कि हर दिन की तरह मेरा और आप लोगों का दिन काफी अच्छा जाए। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी लगती है। और दोस्तों आज की वीडियो का लाइक एम भी लगभग वही 200-300 के समथिंग रहेगा। पानी बैठाया हुआ है भाई, आमचूर आमचूर माँ आमचूर तो लाने के लिए भूल गए, काम करना आमचूर की जगह इमली डाल दे भाई, मीठा चटनी के लिए का प्रॉब्लम है, कुछ खा लिया। अरे नेट नहीं चल रहा है, नेट मेरा भी नहीं चल रहा है, जियो में ना नेट नहीं चल रहा है। और ये है माँ का बचत खाता का डब्बा। कैसे माँ और वो करना इमली रखा हुआ है ना टीवी के पास, उसी को थोड़ा सा डाल दे। ये देख इमली रखा हुआ है यहाँ पर, ये इतना सारा इमली की दिन का बात है, थोड़ा सा फुला के रख दे। यार हम मसाला भून गया भाई, चलिए मसाला वगैरह भून से हम लोग फटाफट। एक साबुन लाना है, कपड़ा वाला साबुन लाना है भाई, और पैसा यहाँ से निकाल लेता हूँ। ब्रेड आएगा 350 रुपये का, जिसमें से मैं 300 रुपये ही दूंगा और 50 रुपये फोन पे मार दूंगा, 100 बचेगा तो 50 का हो जाएगा। हरा वाला दोना 40 का आता है वैसे, 10 बच जाएगा और 50 रुपये हो जाएगा टेम्पू वाले किराए वाले भैया को देने के लिए। झोला उठा लेता हूँ, चलिए निकलते हैं अब फटाफट देने के लिए। फिलहाल मैं गया था बस करने के लिए और कटलेट वगैरह का ना पूरा तैयारी इधर हो चुका है। मम्मी छील रही है प्याज और मम्मी चाय बना देते, तो मम्मी चाय बनाएगी या फिर चाय बन के रखा हुआ है, एकाध दो ब्रेड खा लेता हूँ उसके बाद फिर अपन बैठ जाएंगे कटलेट वगैरह बनाने के लिए आराम से भाई। और चावल आज देखची की जगह इसमें चढ़ाया हुआ पसा के, क्या है ना मम्मी ना चावल ना अक्सर ना पसा के ही बनाती है। खीरा खाऊं पूरा गला ना जाम हो जाएगा। सब्जी बनेगा भिंडी का, सामान पीसी रहा था भाई और लाइट गोल हो गया, मतलब सुबह से ना 6 से 7 बार हो गया है लाइट गोल होते हुए। थोड़ा सा नारियल चटनी पीसा ही और लाइट गोल हो गया, टाइमिंग 11:30 के आसपास होया है और लाइट आ जाए फिर देखता हूँ सामान वगैरह पीसूंगा भाई आराम से ही धीरे धीरे, वैसे भी दुकान लगा रहा है। कटलेट रेडी हुआ है बस जस्ट अभी तुरंत ही, और नारियल चटनी थोड़ा सा ही पिसा है, बाकी पूरा का पूरा बचा हुआ है। ये वगैरह मम्मी छील दी है, अभी वगैरह कटा हुआ है, इधर मम्मी पूजा कर रही है। नहीं भाई तो ये काम करता हूँ, मतलब ऐसा वाला काम नहीं, मतलब काम है, मतलब अभी फिलहाल में कोई काम नहीं है, चटनी पीसना ही काम है, लाइट आ जाए उसके बाद। और प्याज अभी काटूंगा नहीं, प्याज अगर अभी मैं काट दूंगा ना तो भाई तो महक जाएगा, इसके चक्कर में प्याज वगैरह अभी बिल्कुल भी नहीं काटूंगा, 1:30 बजे प्याज आराम से काटूंगा मैं, ठीक है। रेस्ट कर लेता हूँ और थंबनेल नहीं बनाया हूँ अभी तक, तो मैं काम करता हूँ थंबनेल वगैरह निकाल लेता हूँ पिक वगैरह थंबनेल के लिए। और दोस्तों फिलहाल में मैंने अपने दुकान वगैरह लगा लिया और थोड़ा जल्दी ही आ गया मैं, पता है अभी ना 3 भी नहीं बजा है तो मैं दुकान लगा लिया हूँ, खुद बैठा हुआ हूँ, सामान नहीं निकाला हूँ,
मतलब मेरे को, मैं क्या बोला ना, दुकान जल्दी लगा लिया हूँ तो लगा ही ले रहा हूँ, उसके बाद बैठा रहूंगा आराम से, जब कस्टमर आएंगे तो ही सामान निकालूंगा। तो पूरा का पूरा ये देखिए दुकान वगैरह तो मैंने लगा लिया है जस्ट, और पानी भरने वाले भैया नहीं आए हैं, तो मैं क्या किया ना, दो चार डब्बा ना सर और भैया ने उनसे ले लिया, क्योंकि धूप है यार, छोड़ के चल जाऊंगा तो गाय मुंह लगा देगा सामान में तो दिक्कत हो जाएगा, इसके चक्कर में मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, 3 बज जाएगा उसके बाद आराम से सामान निकालूंगा, कस्टमर धीरे धीरे जब आना चालू होंगे। ये है कि थोड़ा हड़बड़ाया रहता लेकिन अभी नहीं हड़बड़ा, मैं धीरे धीरे सामान लगा लिया हूँ। और दुकान ये देखो, एक लिट्टी वाले भैया का लगा है, गोविंद भैया का दो ही दुकान लगा। और गाइस 3 बजे पहुँचा था, 3:30 बज गए हैं, बहुत जल्दी आके ना मैं बहुत ज़्यादा बड़ा गलती किया, ठीक है, जल्दी तो आ गया। और अभी तक ना मैंने कटलेट नहीं निकाला है, पिछले आधे घंटे से बैठ के मैं वीडियो अपलोड किया, टाइटल वगैरह, उसके बाद टैग वगैरह, ठीक है, थंबनेल वगैरह, मतलब घर से ही बना के कटलेट वगैरह कुछ भी नहीं निकाला है। और आशीष भी आ गया, मिश्रा जी की दुकान में उधर लगी रहा, धीरे धीरे सब लगा रहे हैं। और वैसे भी ना भाई, सबसे मेन दिक्कत पता है क्या है, आज है शनिवार, और शनिवार को ना भाई शाम को ही लगभग 5:30-6 बजे के आसपास मार्केट होता है, और गलती से आपका भाई आ गया थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी, तो झुंझुना में बजा रहा हूँ, सोचा अकेले ही क्यों बजाऊँ, जब तक आशीष भाई आ ही गया तो छोटू भी आया है इसके साथ में, छोटू झुंझुना दो ठोलाना ना, तू साइड में बैठना, आठ दूध से खेल रहा है, आराम से नहीं तो दूध फट जाएगा तेरा। और टाइमिंग लगभग 3:40 हो रहा है, और जस्ट ये कटलेट निकालना अभी मैं चालू किया हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल रहा हूँ, लगभग 7-8 पीस के आसपास, 10 पीस है यार। और कुछ कस्टमर आए हैं भैया लोग, तो चलिए थोड़ा अपन बोनी वगैरह कर लेते हैं। सबसे पहले एक भाई मैं मट्ठा के नीचे चढ़ा देता हूँ, अब ग्राहक लोगों को लगाते हैं आराम से अपन। भैया मीठा भी डाल दूँ थोड़ा थोड़ा, लीजिए भैया थोड़ा कटलेट भी ऊपर में रख लूँ ताकि ग्राहक लोग को दूर से दिखे। और भाई एक नया फायर ब्रिगेड है अपने सूरजपुर नगर पालिका में, ठीक है, तो यहाँ पर ना मतलब प्रचार वगैरह, एड वगैरह, मतलब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आग वगैरह लग जाता है तो कितने नंबर पर कॉल करना है, और आग कैसे बुझाया जाता है, विजयदारी और मार्केटिंग वगैरह ठीक ठाक है, मतलब जस्ट व्यवस्था चालू किया, 2-3 चेला बेच लिए हैं, 15-20 चकलेट के आसपास कुछ बेच लिए हैं, और कस्टमर स्लोली स्लोली ही आए जा रहे हैं। नहीं भैया इडली नहीं बेचते, पुलिस वाले भैया लोग काफ़ी लोग हैं, देखिए आपको। हाँ भैया, और गाइस ये देखिए आग लगा हुआ था, और ये पानी है कि क्या है भाई, पूरा झागी झाग है, पूरा झागी झाग है इसमें। अब मान लीजिए भैया इसमें ये पेट्रोल डाल रहे हैं ना, पेट्रोल डाले किसी जगह पर, लकड़ी में आग लग जाता है तो उस जगह पर काबू करने के लिए ना आप साइलेंट पानी डालिए तो भी नहीं बुझेगा, और इसमें या तो एसी ग्लोबल यूज कीजिए या फिर पूरा मस्त बहुत खुश हो रहे हैं ना, बोल रहे हैं भाई चौपाटी में आग लग गया, चौपाटी में आग लग गया, बोला हाँ भाई चौपाटी में आग लग गया। मतलब कुछ लोगों को जानकारी नहीं रहता है ना आपको कैसे बताएं, उसके लिए ना ये काफी बेहतर है। ये पहला राउंड है मुंगोड़ी का, भाई एकदम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शनिवार है, शाम को भी मार्केट है, एकदम पार्सल वगैरह बीच बीच में आ जाता है तो काफी बेहतर रहता है। फिलहाल में 5 प्लेट मुंगोड़ी निकालना है और 15 पीस कटलेट हो जाएगा, 15 × 2 = 30 सीधा 300 रुपये रहता है। लो
लो भाई, 300 का मटेरियल तैयार हो चुका है। चटनी फिट किया है मैंने, पन्नी में नहीं डाला है, तो पन्नी में डाल देता हूँ इसको फटाफट। चलो मुंगोड़ी निकाला है, कुछ कस्टमर बैठे हैं और कटलेट थोड़ा निकला है, थोड़ा सा बचा है, मतलब नीचे में भी है पूरा, लेकिन थोड़े मोड़े पार्सल चले जा रहे हैं तो काफ़ी बेहतर है। और दीपक भैया यहाँ पर झुनझुना बजाते हुए, कैसे दीपक भैया? दीपक भैया मेरे से एक घंटा लेट से दुकान लगाए थे। ओ भाई ट्राइपॉड तो मैं यहाँ लगाया, मैं पता है मोबाइल लगाने आ रहा था, पता चला इसमें मैं ट्राइपॉड ही नहीं लगाया हूँ अभी तक। पूरे 2 घंटे लेट आए हैं आप। शनिवार है भाई, मार्केट ठीक ठाक है, बस ये तो लोचा मत हो जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लोचा भी हो तो शनिवार है, कल दुकान खुलना नहीं है। मुंगोड़ी खिलाऊं आपको? लीजिए ना, मैं ब्लॉग बनाता हूँ अपना। दीपक भैया देखिए आओ डालू, मैं बोला आप अपने से निकाल के ले जाओ, तो यार जान रहा हूँ अपने वाला से हाल, ज्यादा से ज्यादा मिलता है ना। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा ले जाओ। सिंगल पीस टमाटर चटनी और मीठा, हल्का मीठा। भाई मार्केट तो रेगुलर वैसे रहता है कि शाम को हो जाता है, लेकिन आज पता नहीं चला, प्लस पता है मौसम भी ना पूरा, मौसम भी ना भाई पूरा बादल वगैरह की चेंजिंग हो गया है। क्या है ना जब कोट वगैरह बहुत जगह 3 दिन 2 दिन 3 घंटे में छुट्टी हो जाता है, निकल लेते हैं। आपका छुट्टी है रविवार को? छुट्टी हो जाएगी। कल तो अपना भी सरकारी छुट्टी है। जस्ट अभी कटलेट डाला हूँ और अभी आया है, अभी रवि के लिए मूंग चीला बना रहा हूँ भाई। और फिलहाल में भाई अभी ना लगभग 7:30 के आसपास हो रहे हैं और चीरा हो गया ना, और लगभग 7:30 के आसपास हो रहा है, सामान वगैरह पूरा फिनिश हो गया है भाई का, और इधर मुंगोड़ी भी फिनिश हो गया है। लेकिन भाई एक दिक्कत पता है क्या, मतलब कटलेट के जो कस्टमर थे ना, कोई चीरा ले गया, कोई मुंगोड़ी ले गया, लेकिन आज ना कटलेट बहुत सारे बच्चे हुए। हाँ, और ये चीला के ना सबसे लास्ट कस्टमर है भैया लोग मेरे, ठीक है। और भैया लोगों को ना 2-2 पीस चीरा चाहिए थे, लेकिन एक एक पीस दिया। जस्ट भैया लोग भी आए हैं, तो भैया लोग एक कुछ कटलेट खा रहे हैं। कटलेट कैसा लगा आप लोग को? चकाचक। और 6 पीस कटलेट पार्सल है आज, पार्सल नहीं गया भाई, वैसे कटलेट क्या है ना, सबसे ज़्यादा पार्सल जाता है, तो आज चीला और मुंगोड़ी सबसे ज़्यादा गया है, और पूरा का पूरा अभी आधा ट्रे से ज़्यादा कटलेट पड़ा हुआ है। चलिए अपन निकालते हैं। और हाँ बाबा, अरे बाबा सलमान खान, ये मेरे पास मूंग चीला भी नहीं है और कटलेट, कटलेट है, कटलेट खिलाऊं? दुकान है आपका, एक काम कीजिए मोबाइल आप पकड़िए, खेल आप पकड़िए, मैं जा रहा हूँ घर, घर अब। अरे बाबा आधे नहीं। और टाइमिंग लगभग 10 के आसपास हो गया, जस्ट अभी दुकान वगैरह बढ़ाया है,
और आधा घंटे के आसपास मार्केट हुआ, उसके बाद ना सब स्लोली स्लोली हो गया, मतलब सभी लोगों का ना मार्केट हो गया, मेरा क्या सभी लोगों का। और ये जो चाय वाले भैया है ना, ये अक्सर ना 8:30-9 बजे के आसपास चले जाते थे, लेकिन 10 बज गए, ये भी अभी तक रुके हुए हैं। क्या दीपक भैया आज मार्केट बहुत बढ़िया एकदम चकाचक। अरे भाई मोमोज वाला, तू तो चला जाता था 7 बजे, यार कैसे रुका है अभी तक? खत्म तो कर दिया ना खत्म। आप भी खत्म कीजिए फटाक से, हो जाइए आप भी घर फटाक से। रात तो सपने में ही खिलाता हूँ, यहाँ तो नहीं मिल पाएगा। उधर तो जा सकते हैं, उधर से पीछे से जा सकते हैं, इधर कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ऐसे ग्राहक ने हरा देना चाहिए यार, जाओ भी यहाँ से, जाओ तो माल लाइन मत करो यहाँ पर। तो हम लोग ना दीपक भाई सब बस मजा ही ले रहे हैं, सिर्फ ये इंजॉयमेंट है, ठीक है। अब इसको ये ना हो कि भाई कुछ सीरियसली ले रहे कि भैया दुकानदार और ग्राहक से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। दीपक भैया है और अपन एंजॉय कर रहे हैं। गैया तो इधर अलग से परेशान करके रखा है ना, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं। क्या चाट रहा है इसमें? टाइम पास नहीं हो रहा ब्रो आजकल, कुछ बोल रहा था लकी तू? मैं क्या बोल सकता। तो गाइस ये देखिए गौर से, ये जो दूध का चाय है ना, इसमें मलाई जम गया है। ओ भाई किसका है? किसका है? दूध का मलाई है यार, और किसका मलाई रहेगा, गजब बेइज्जती है। ये अगला आदमी अपनी जिंदगी से परेशान है, कोई बात नहीं, आप परेशान है तो बोल दी। अरे वो सब मत दिखाओ, सब मत दिखा, चाय पिला दे यार। पता है आपको अभी ना 11:30 बज रहा है, और कोई ना भाई मेरे ना जो चक्का है ना उसका हवा निकाल दिया, मतलब कांटी को मार दिया है। और रात को 11:30 बजे मैं भी घर जाने वाला था, देख रहा हूँ तो हवा ही नहीं है भाई, ऐसे देखो, और ऐसी रोड के पास बैठा हुआ हूँ और पूरा हवा निकाल दिया है। कोई यहाँ छोड़ सकता है? आकाश के सामने कैमरा लगा है ना, आकाश का हवा ही नहीं इसमें। पता है अभी ना करेट ना 11:30 बज रहा है, ये देखिए आप लोग, फिलहाल मैं है जहांगीर लेने के लिए भाई, जो जस्ट घर के पास ही रहता है। और गाड़ी ना मैं ना वहीं जो मैंगो जूस वाले भाई साहब है ना, आके उनके गोदाम पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरे गोदाम पे रखते बनता नहीं है। और 11:30 बजे दोस्तों का भी दुकान बंद हो गया भाई, 11:30-12 बजे वो कहाँ से आएंगे? दोस्त के पास भाई, भाई के पास कॉल किया, आ गया है उस गाड़ी को बनवाऊँगा भाई, जो चाहिए यार गाड़ी ना भाई, आधी आधी रात को धोखा दे देता है। और मान लीजिए जल्दी नहीं आता तो सामान को रख के उसको पैदल जाता भाई।